मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का आज से विधिवत उद्घाटन ही नहीं किया, काम प्रारंभ कर दिया। और अभी हमारे कृषि विभाग के सचिव जब आज के कार्यक्रम के बारे में शुरू में ही बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ जानकारी दी थी। हम लोग मार्च 2016 में मॉडल ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया का जो पूसा केंद्र है उसमें गए थे और उस समय हमारे चीफ सेक्रेटरी जो थे जो आज के कार्यक्रम में मौजूद थे ये भी थे और कृषि विभाग के अन्य लोग भी थे, कई लोग थे और वहाँ गए थे। और जो काम वहाँ ईसा में हो रहा है और 150 एकड़ जमीन वो काम करते हैं, विशेष तौर पर गए थे सारे काम को देखने के, क्योंकि आप लोगों को ये भी शायद पता नहीं होगा हम तो शुरू से लगे हुए थे। मॉर्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बने, उसका केंद्र तो बिहार में बने, पूसा में बने, हम इसके लिए बहुत प्रयासरत थे, प्रयास करते कि जब अंग्रेजों का राज था तो उन लोगों ने पूसा का ही चयन किया, पूसा जगह नहीं था, नाम ही पूसा उसका पड़ा उसके बाद, तो उस जगह पर ही लोगों ने जब चयनित किया था यहाँ पर कृषि पर अनुसंधान आज़ादी के पहले, और बाद में जब 1934 में भूकंप आया तो फिर उसके बाद उसको दिल्ली में लोगों ने शिफ्ट कर लिया, उस जगह को भी अब वो राजेंद्र नगर कहलाता है और उस जगह को वहाँ भी पूसा ही कहते हैं। तो हम लोग को लग रहा था कि भाई ये जगह तो बहुत इम्पोर्टेंट है और समस्तीपुर का जगह कृषि के क्षेत्र में मेरी समझ से बहुत खास है, और जब उसकी कुछ खासियत है तभी तो अनुसंधान के लिए आज़ादी के पहले भी लोगों ने जगह का चयन किया था पूरे देश, तो चाहते थे कि भाई बॉर्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया जो बने वो वहीं बने। और सबको मालूम है कि वैज्ञानिक आए हुए भी वहाँ थे, हम उनके साथ थे, केंद्र में कृषि मंत्री ले करके उनको वहाँ गए और जो कुछ भी रास्ते पर हेलीकॉप्टर से उन्होंने देखा उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देखा। और जब उनके सम्मान में दिल्ली में कृषि मंत्री के रूप में हमने आयोजित किया था रात के डिनर का, कौन वैज्ञानिक नहीं आए थे। बाद में तो APJ अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे, उस समय वैज्ञानिक तो सब आए थे और एक एक चीज को हमको लगा कि अब वो नहीं है और उसी की स्मृति में बॉर्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया बन रहा, उसका केंद्र तो पूसा ही बने था। लेकिन खैर आप जानते ही हम लोग की बात कहाँ कोई जल्दी सुनता, तीन जगह सेंटर बन गया उसका, चलो कम से कम एक पूसा में सेंटर बनाना स्वीकार कर, लेकिन देश में तीन सेंटर बन गया। तो खैर तो पूसा में जो काम हो रहा था उसके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी उसको मिली थी और जिसके बारे में भी हमारे माननीय मंत्री जी ने और अन्य हमारे अधिकारी ने सब ने इस बात के बारे में बताया कि बिहार की जो स्थिति धीरे धीरे हम लोग देख रहे थे जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज, हम लोग तो इसके बारे में चर्चा निरंतर कर रहे हैं, कैसी स्थिति हुई। 2007 में फ्लड आया और 22 जिला प्रभावित था, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 2008 में पूरा कोसी ट्रेजेडी आई और उसके बाद अनेक वर्षों में, एक साल तो आ गया 2016 में तो गंगा नदी का जल स्तर इतना ऊंचा उठा कि गंगा नदी के दोनों किनारे वाले शहरों में अनेक जगहों पर, मेरा जन्म तो हुआ है गंगा नदी के किनारे ही।